इतना ही याद करना है, समझा रहे मेरी बात? हटान दो। और BQ और SFB मतलब चार्जिंग, बोलो BQ और SFB मतलब चार्जिंग। हटान दो, बताओ ये कौन सी IC है? CPU। ये क्या हो सकता है? Redundancy plus। हाँ, ये इतना पोर्शन से redundancy का है, ये सारा इधर इधर, ये सारा सब कुछ RAM है, ये पूरा RAM है, ये जो जो जितने भी पैड है, ये जितनी भी सप्लाई है, सब RAM की है, सिर्फ redundancy का पोर्शन इतना है सिर्फ यहाँ पर। आज आपकी आठ डाटा की लाइन, एक क्लॉक, एक आपकी कमांड, एक रिसेट और आपकी कुछ VCC क्यू, बस ले देंगे। चलो ये वाला आईसी देखेंगे, ये आईसी काय का है? तो ये आईसी काय का है? सब पावर। बोलो। हाँ, तो ये लाइट सेक्शन है, यहाँ पर डायोड और ये लगा हुआ है, यहाँ पर ग्राफिक्स सेक्शन, हालांकि ग्राफिक्स के अलग आईसी बनाई है, तो यहाँ पर ये आपका उसके साथ में फ्लैश LED सेक्शन और चार्जिंग सेक्शन है। अच्छा चलो, यहाँ पर एक आईसी और है, तो यहाँ पर ये आईसी पर क्या लिखा हुआ है, अगर इसको हम पढ़े यहाँ पर, पढ़ो SMB अभी 90% बहुत सारे सेटों में आता है और जहां फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया है, मतलब एक्स्ट्रा आउटपुट देखा जाए तो जल्दी चार्ज के लिए, ये कुछ लो MPL लोड को बढ़ा देता है। अब चलो अगला, अब इसका हमें और IC हमें डिटेक्ट करना है, तो ये देखो एक IC हमें 13 से लगा हुआ है, तो मुझे बताओ ये IC कौन सा है? वाईफाई। चलो ये वाला IC बताओ कौन सा है? पड़ी।
मसीह का मैं अगर पलट से लूंगा लाइफ, अब ये वो लाइफ बड़ा हो गया है। अगर आ जाए इन केस समझ में आ जाए आधे घंटे के अंदर, और ऐसा लगे कि सर मैं तो कोई भी आईसी को पढ़ सकता हूँ, हेलो yes, तो शाम को थोड़ा रिव्यू में कह दोगे वहां मुंह नहीं खुलेगा या ये बोलोगे अच्छा है बस नहीं। नहीं। डिटेलिंग करोगे थोड़ी yes, मैं देखता हूँ भाई, मेरे को अच्छा लगता है, मैं देखू तो मैंने जो पढ़ाया लड़के क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। yes, yes, बीवी को बिठा के दिखा तो देखो, अब मेरे हिसाब से यही दो पैड ऊपर बी पे मानने चाहिए। पक्का? Yes, ना इधर होना चाहिए ना इधर होना चाहिए। चलो तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर रजिस्टर के यहाँ रख लेना। yes, हाँ, क्योंकि ये ट्रैक यहीं से आ रहा है। yes, चलिए ठीक करो ऊपर से कैमरा ये। ये केबल का सीन है, अभी कैमरे का सीन नहीं है, कैमरा चेंज कर दिया। केबल बहुत टाइट लगाए हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है लटक रहा है केबल। अब देखो तो यहाँ के साथ ये कनेक्टेड है, यहाँ के साथ ये कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ रख लू। yes, मैं यहीं पे रख लेता हूँ, जब कनेक्टेड है तो यहाँ आनी चाहिए, तो यहाँ 92 पे आने चाहिए, 91 पे आने चाहिए, तो उनमें से किसी एक पे आने चाहिए ना, क्योंकि कोई भी प्लस हो सकता है कोई भी हो सकता है। तो आइए चेक करें, तो अब यहाँ देखे यहाँ पे तो नहीं आई। नो सर। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अब यहाँ रखेंगे, अब यहाँ रख लिया, अब यहाँ रख लिया यहाँ पर। yes, तो ये नीचे आनी चाहिए, कहाँ आनी चाहिए? नीचे। yes, sir. मुझे बताओ ये चीज किस किस को आई, बताइए। yes, पक्का? yes, sir. जैसे ये हो गया के, क्या हो गया के? अब एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, तो चौदह तक लिखे। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखेंगे मेन पावर है कि सब पावर है, तो सब पावर में भी कितनी कोयले लगाएंगे? ये सारी बक की लाइन है, कौन सी लाइन है? ये मेन पावर है, कौन सी ऐसी बताओ? दो लेटर, ये पहले ये चालू होगी उसके बाद ये चालू करेगा, मतलब सबसे पहले कौन चालू होगी? हाँ, उसमें भी कौन से वोल्टेज आएंगे वो मैं आपको बूट सर्किट में बताऊंगा कि पहला वोल्टेज कौन सा बनेगा, फिर ये चालू होगी, फिर ये चालू होगी, तब जाके फोन चालू होता है। ठीक है, तो ये हमारे पीएफओ है, सात नंबर से चालू है, मतलब कौन सा? स्काई। बोलो, ये भी कौन से नंबर से? कौन सा? स्काई। अच्छा, एक यहाँ पर भी आईसी होगी तो, और देखें अब तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जल्दी बताओ, क्या है ये? ईएमसी। पर यहाँ भी आईसी लिखा है ना? yes, इसके नीचे क्या होगा? अब मुझे सीपीयू बताना इसका कौन सा होगा, तो मुझे उतारने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे देख रहा है तो मैं पावर देख लूंगा खाली, क्या देख लूंगा? तो पावर में किसका पावर है? तो 80। तो हमारे साथ में 28 पावर की बात जो है कि नहीं है, सुबह में क्या किया है आपको बोले? पावर बदला
हूँ सर सहारनपुर से। यूपी से होता हूँ, मुझे बता दो सुबह में आपने क्या किया था? सर आज पावर आईसी निकाला लाइव फोन से और वापस लगाया तो फोन चालू था सर मेरा। तो चालू वाला फोन? यस सर। इसके पहले कभी आपने आईसी पे काम किया था? नहीं किया सर। कभी नहीं? नहीं किया सर। सच बता रहे हैं? यस सर। झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं जानना चाहूंगा कि फोन तो चालू हो गया। यस सर। उसके जगह पे कौन सा फोन था आपका? मेरा सर रोजी फोन था या टूजी फोन था? रोजी था, रेडमी रोजी था। तो अभी मैं कोई से भी फोन का पावर आईसी निकाल के लगाने के लिए दूं और बोलूं कि दोबारा चालू कर दो? 100% सर। मुझे बताओ सुबह में जो क्लास हुई पावर आईसी उठाने से पहले आपको नॉलेज था कि कौन सा पावर आईसी है? नहीं सर। नहीं पता था? सीपीयू का पता था? नहीं था। आरएफआईसी का पता था? नहीं था। चलिए ठीक है, मुझे बताइए कैसा लगा क्लास? बहुत शानदार था सर। शानदार था। चलिए ठीक है, मैं जानना चाहूंगा क्या बोलना चाहोगे आप देव सर के लिए? सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत थोड़ा सा माइक पास में करिए। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, अगर कोई आए तो क्या बोलना चाहेंगे उनको? बिल्कुल आना चाहिए सर। आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ में एक और स्टूडेंट, क्या नाम है भाई? अनिश कुमार, बिहार से हूँ। का बिहार से हो आप? तो मुझे बता दो कि आप आज का सुबह में क्या कॉन्सेप्ट था आपका? पावर आईसी सर भी निकाल करके और मोबाइल से पहले चालू फोन को ऑफ किया आपने? जी सर। फिर आपने चालू किया? जी। मुझे बताओ इसके पहले आपने कभी आईसी पे काम किया था? नो सर। कभी नहीं? कभी नहीं। सच बोल रहे हो? फ्रेशर हो? जी सर। एसएमबी कभी पकड़ा था आपने? नो सर। कभी नहीं? कुछ भी नहीं। चलो मुझे बता दो कि अगर आप फ्रेशर हो, तीसरे दिन में आपने सुबह के क्लास में पावर आईसी निकाल के लगाया है तो फोन चालू किया आपने, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं बढ़ा? जी सर। तो कोई फ्रेशर अगर ज्वाइन करे तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल सर कर सकता है। जी चलिए ठीक है। सेकेंड मीटिंग में आपका क्लास देव सर के साथ में था? जी सर। तो कैसा रहा सर के साथ क्लास? बहुत ही बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर। तो आप तो मोबाइल का एबीसीडी नहीं जानते, लेकिन अब मैं बोलूं कि कोई सा भी बोर्ड दे दूं, या फिर मीडियाटेक हो, क्वालकॉम हो, या फिर जाइनोक्स हो, या फिर स्पेक्ट्रम का हो, तो आप उसमें से आईसी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा पावर आईसी है, कौन सा उसका डब्ल्यूटीआर है, कौन सा नेटवर्क आईसी है, आप सब बता पाओगे? जी सर। चलिए ठीक है, ओवरऑल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्या बोलना चाहोगे देव सर के लिए? आप देव सर के लिए क्या बोलना चाहोगे आप? थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत एनर्जी के साथ सर। थैंक यू। एनर्जी है? जी सर। तो उनका एनर्जी देख के आपके अंदर एनर्जी आता है कि नहीं आता है? जी सर। सब में आता है? चलिए ठीक है, आप देख पा रहे हो जो ठीक है। एक स्टूडेंट और बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुखलाल है, कौशाली उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से हो, तो मुझे बता दो कि सेकंड मीटिंग में आपकी क्लास होती है सर के साथ में? जी सर। तो कंपोनेंट का क्लास तो आपका खत्म हो चुका है, तो कंपोनेंट का क्लास खत्म होने के बाद मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अभी कोई से भी आईसी के अगल बगल में कोई सा भी कंपोनेंट लगा हो तो आप पता कर पाओगे? उसकी वर्किंग बता देंगे। वर्किंग बता दोगे? वैल्यू बता दोगे? वैल्यू बता, क्या काम कर रहा है ये भी बता दोगे आप? चलो ठीक है, मुझे बता दो कि सीपीयू का आइडेंटिफाई कर पाओगे आप? अगर मान लीजिए स्पेक्ट्रम का सीपीयू लगा है तो कौन सा पावर है, कौन सा वाईफाई है, कौन सा उसका आरएफआईसी है, सब पता लगा लोगे आप? बोर्ड देख के पहचान जाएंगे। तो यहाँ पे सारा चीजें लाइव डायग्नोस करके सर ने बताया नहीं बताया? सारा कुछ एक एक बताया। तीन तीन पावर आईसी, चार चार पावर आईसी का सर्किट बताया नहीं सर ने? छोटी से लेके बड़ी, बड़ी से लेके छोटी तक सारी आईसी बताया, सारा बताया सर ने। तो ओवरऑल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सुबह के क्लास में आपका पावर आईसी निकाल के जी कौन सा अपना चालू करना फोन? एमआई से बने था सर जी, उसको मैंने ऑन बोर्ड था उसका पावर आईसी निकाला और लगा दिया, फिर से ऑन हो गया। चालू हो गया? जी सर। चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहोगे आप एशिया टेलीकॉम के लिए? एशिया टेलीकॉम सर नंबर एक है। नंबर एक है? जी सर। चलिए क्या बोलना चाहोगे आप देव सर के लिए? देव सर, सर जी इंडिया के बेस्ट टीचर हैं सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। एक स्टूडेंट से बात करेंगे हम यहाँ पे। जी मेरा नाम रिंटू प्रसाद है। रिंटू जी कहाँ से हो आप? यूपी से। चलिए मुझे बता दीजिए सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या किया? सुबह मैं जब आया हूँ तो लाइव सीपीयू आम बोर्ड से निकाला हूँ जी, रिबोल किया फिर से लगाया चालू हो गया था जी। उसके बाद देव सर का क्लास था, आईसी को पहचान, कौन सा आईसी आइडेंटिफिकेशन की, आईसी की पहचान थी जी सर। फिर अभी आप सीपीयू के बारे में पता चला आपको, कौन कौन से सीपीयू मार्केट में चलते हैं पता चला? जी सर। और आप सीपीयू देख के बता पाओगे कि कौन सा नेटवर्क के लिए है, कौन सा आपका वाईफाई के लिए है? जी सर। कौन सा स्पष्ट पावर है, कौन सा सेकंड पावर है? जी सर। बता पाओगे? जी सर। सीपीयू का वर्जन बता पाओगे नहीं बता पाओगे? बता देंगे सर। बता दोगे ईमानदारी से? जी सर। अगर टूल टेकर है तो उसको डायग्नोस कर पाओगे नहीं कर पाओगे? जी सर कर लेंगे। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और जानकारी लूंगा मैं आपसे कि जो आपने फोन चालू किया था तो कैसा लगा आपको, मतलब इसके पहले तो आपने कभी फोन पे काम किया थे? नहीं किया था। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। चलिए ठीक है, अभी फोन का बोर्ड देखने का नजरिया, जैसा कि हम बोलते हैं सर, बोलते हैं कि बोर्ड देखने का नजरिया बदल देंगे, तो मतलब नहीं बदला? बदल गया। बदल गया जी, बदल गया। ईमानदारी से बोल रहे हैं? ईमानदारी से बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।
तो हमारे साथ में एक और स्टूडेंट है, मुझे बताइए आप तो इसके पहले कभी मोबाइल का काम किए हो? फ्रेशर हो? फ्रेशर हो। फ्रेशर हो, क्या करते थे आप इसके पहले? स्टडी करता था, फ्रेशर हो। फ्रेशर हो, कभी आपने फोन का काम नहीं किया? कभी नहीं। ईमानदारी से बताइए। यस सर, यस। लगता तो नहीं है? नहीं सर, फ्रेशर। फ्रेशर हो। आप कितने टाइम में आपको आपने फोन को चालू किया सुबह में? सुबह ये कितनी बार किया आपने फोन चालू? एक बार किया मैंने। वन टाइम में कर दिया? वन टाइम में कर दिया आपने? यस सर। पॉसिबल है वन टाइम का करना फ्रेशर स्टूडेंट के लिए? ये सीआर टेलीकॉम में पॉसिबल है सर। पॉसिबल है सर। चलिए ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कैसा लगा सुबह का क्लास आपको? बहुत अच्छा लगा सर। और सेकंड बैटिंग में देव सर के साथ में जो आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास, वो भी कर पाऊंगा सर पूरी की पूरी। ऐसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? यस सर। एक बोर्ड देखने का नजरिया भी बदला कर देगा आपका, क्योंकि आप तो बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको तो अपने चेहरे से नहीं पता होगा कि बोर्ड देखने का नजरिया क्या होना चाहिए। लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सीपीयू देख के आइडेंटिफाई कर लोगे कि आरएफ आईसी कौन सा है, वाईफाई आईसी कौन सा है? और ट्रेसिंग के लिए जैसा कि सर ने बताया आपको कि कहां से कहां तक बीप चेक करना होता, किस तरीके से चेक करना होता, लाइन में कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, आपको पता? सब 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 पता चला। यहाँ पे लाइव क्लास में आपने डायग्नोस किया नहीं? यहाँ पे डायग्राम भी बनाया आप लोगों ने? यस सर, सबने डायग्राम बनाया है। चलिए ठीक है, एक स्टूडेंट से और बात करेंगे। थैंक यू। तो बताइए मुझे सुबह से लेकर अभी तक का क्या कॉन्सेप्ट रहा? जी सर, मेरा नाम मुकेश कुमार, मैं बिहार से हूँ सर। जी आज का जो क्लास था सर, वो तो 100 में 100 इसे बोला जाए तो बहुत अच्छा है। जी सुबह में क्या किया आपने? मैंने चालू मोबाइल से 4G मोबाइल से चालू मोबाइल में पावर ऐसी निकाल के मैंने रिमोट करके फिर से वापस लगा के ऑन किया सर। ऑन कर दिया आपने? यस सर। आप कितने साल से मोबाइल का काम कर रहे हो? 10 साल से। 10 साल से कर रहे हो, तो 10 साल में आपने कभी आईसी पे काम किया था? आईसी पे काम नहीं किया था। कभी नहीं किया था, तो फिर तो आपके स्किल रहा होगा। जी सर। तो कितनी बार में आपने चालू किया था? एक बार में। वन टाइम? वन टाइम। क्या बात है, वेरी गुड। तो यहाँ पर तो फ्रेशर स्टूडेंट भी वन टाइम में कर रहा है, आप 10 साल से काम कर रहे हैं, आपने भी वन टाइम में किया है, तो क्या डिफरेंस है? सर डिफरेंस सर को बताने का तरीका ही एक अलग है, यूनिक है, यूनिक। एक बार में समझ में आया। अच्छा, आप 10 साल से काम कर रहे हो, जिस तरीके से आज सर ने बोर्ड को देखने का नजरिया बताया है, दिखाया है, समझाया है, मुझे पता है आज से पहले कभी था? कभी नहीं सर, 100% नजरिया बदल गया हम लोग का। बोर्ड क्या होता है? अच्छा। बोर्ड में पार्ट्स क्या क्या होते हैं ये सारा हम बता सकते हैं, एक बोर्ड से टोटल पार्ट्स निकाल के फिर हम लगा भी सकते हैं। और वर्जन के बारे में बताया सर ने, सीपीयू का क्या वर्जन होता है? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या बोलना चाहोगे अगर कोई ऐसे काम ज्वाइन करना चाहे तो? करना ही चाहिए। ईमानदारी से? ईमानदारी से। अगर यहाँ के अलावा अगर कोई और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है तो फिर क्या नॉलेज नहीं मिल सकता सर? यहाँ वाला नॉलेज नहीं मिलेगा सर। चलिए ठीक है, आपने कोई यूट्यूब पे ऐसा वीडियो देखा कि सर ने कुछ बताया हो और वही आपको सर दे रहे हो? नो सर। तो नॉलेज नहीं मिला सर? यूट्यूब वाला नॉलेज तो नहीं? नो सर, बिल्कुल नहीं। यूट्यूब वाला नॉलेज मिल रहा है क्या? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ में एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है? हेलो, मेरा नाम प्रदीप श्रेष्ठ है, मैं नेपालबाट। नेपाल से हैं आप? तो चलिए ठीक है, आप सुबह से क्या क्लास था, फिर आपका सेकंड मीटिंग में देवसर के साथ में क्लास चला है, फिर थर्ड मीटिंग में आपका जो आपका दोपहर का क्लास हुआ है उसका प्रैक्टिकल चला है, तो चलिए आप अपने लैंग्वेज में बता दीजिए, और कोई एशियन टीम ज्वाइन करना चाहे उसके लिए बता दीजिए कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए। सुबह हाम्रो क्लास 8 बजे शुरू हुन्छ, 8 बजे चाहिँ हामीले अन बोर्डबाट चाहिँ 4G अन बोर्डबाट चाहिँ पावर आइसी रिमाउन्ट गरेर माउन्ट गर्यौँ, र त्यसपछि देव सरको क्लास थियो, उहाँको क्लास त एकदमै इनर्जेटिक हुन्छ, यस्तो इनर्जेटिक हुन्छ कि एकदम जुरुक जुरुक पार्ने खालको हुन्छ, र उहाँले चाहिँ आइसी आइडेन्टिफिकेसनको क्लास थियो। अब चाहिँ हामी सिपियु हेरेरै थाहा हुन्छ कि यो बोर्डमा चाहिँ कुन कुन खालको आइसीहरू लाग्छ, कुन कुन खालको आरएफ आइसी, कुन कुन खालको मेन पावर आइसी र कुन खालको सब पावर आइसी लाग्छ भनेर त्यत्तिकै थाहा हुन्छ, र जुन बोर्डलाई हेर्ने, आइसीलाई हेर्ने, सिपियुलाई हेर्ने जुन नजरिया छ त्यो चाहिँ त्यो ग्राफबाट वा चाहिँ खोज्नु पर्दैन, हामीलाई बोर्डको स्केमेटिकबाट खोज्नु पर्दैन, डाइरेक्ट हामी खोज्न सक्छौँ र फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। स्पेसियली आई वान्ट टु से हार्डली थ्याङ्क यू फर टु देव सर, थ्याङ्क यू। तो हमारे साथ में एक और स्टूडेंट है, बताइए सुबह से लेकर अभी तक का क्या क्लास रहा है आपका? मेरा नाम सुधा संगीकर है, मैं महाराष्ट्र से पुणे से हूँ। सुबह 8 बजे हमने क्लास की एंट्री की, 8 बजे हमने पावर आईसी चेंज किया, ऑन बोर्ड था, चालू था, चेंज करने के बाद फिर से मोबाइल चालू हुआ, उसके बाद देव सर की कंप्यूटर में देव सर की क्लास हुई, उसमें आईसी को पहचानने की क्लास थी,
तो वो बैच रहे, अभी हम कौन सी बैच ही पहचान सकते हैं। और मैं बात करूँ आपका कि आईसी का पैड पढ़ना सबने समझाया कि नहीं, आईसी का पैड लाइक पढ़ना। मान लीजिए आप स्कीमेटिक डायग्राम को यूज कर रहे हो, तो आपका कौन से बॉल पे जा रहा है, कौन सी लाइन आपको छोड़नी है, कौन सी लाइन पकड़नी है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, आपको पता चला? हाँ, हाँ, ये सब लाइव पता है या फिर अलग से पता है? लाइव पता है। चलिए ठीक है, मुझे बता दीजिए कि जो सर के साथ थ्योरी हुआ वो प्रैक्टिकल में मिला है कि नहीं मिला है? मिला है, प्रैक्टिकल में मिला है। अभी आईसी देखने का और बोर्ड देखने का नजरिया बदला नहीं बदला? बदला। चलिए ठीक है, मुझे बता दो कि कोई अगर ज्वाइन करना चाहे एशियन टेलीकॉम तो क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल कर सकते हो सर, ज्वाइन ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ में एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? मेरा सुदीप दास है। कहाँ से हो आप? विश्व विद्यालय से हूँ मैं सर। तो मुझे बताइए क्या क्लास थी आज आपकी? आज तो मेरी आईसी क्लास थी जी, आईसी पहचानने की जी। और जो ट्रैक नापता है जिससे जो प्रोसेस की ट्रैक पढ़ने का तरीका बताया गया ठीक है। और सुबह में क्या किया था आपने? सुबह में तो मैंने ऑन बोर्ड से पावर आईसी निकाला, फिर रिवॉल्व किया, फिर बैठा के चालू भी कर दिया। तो मुझे बताइए कि अगर कोई एशियन टेलीकॉम ज्वाइन करे, जो नॉलेज आपको मिला है उस नॉलेज के हिसाब से अगर कोई और नॉलेज लेना चाहे तो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? ऑब्वियसली वेलकम वेलकम है, एकदम वेलकम है। तो मुझे बताइए कि चालू किया था आपने फोन सुबह में? मुझे बताइए कि यहाँ पर तो फ्रेशर्स भी हैं और एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो आप फ्रेशर हैं कि एक्सपीरियंस होल्डर हैं? एक्सपीरियंस होल्डर। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? 12 साल से काम कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे फ्रेशर और 12 साल का अनुभव क्या हुआ, बराबर हो गया कि नहीं? एकदम सर बराबर हो गया। अगर यही चीज अगर दुकान पे आपको सीखने को मिलता तो इतने अच्छे तरीके से आप सीख पाते क्या? नो सर, पॉसिबल था नहीं सर, वहाँ पर नहीं सीख रहे थे तब ना यहाँ पर आए ज्वाइन किए, तब हमको ठीक मिल रहा है सर, जो हम बार बार आईसी बोल कर सक्सेस नहीं हो पाता बार बार जी, अभी तो एक चांस में एक बार सक्सेस हो रहा है, वन टाइम में हो रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोहन गुप्ता है, मैं यूपी से हूँ जी। मैंने आज सुबह 8 बजे क्लास ज्वाइन किया सर जी। मैंने सुबह सुबह ही पावर आईसी माउंट रिमाउंट किया सर जी, उससे हो नहीं रहा था लेकिन मैंने 3 बार किया और लेकिन हुआ लास्ट में हो गया ना। हाँ सर चालू। तो आप कितने साल से काम कर रहे हो? फ्रेशर हूँ सर, बिल्कुल फ्रेशर हूँ, कभी नहीं, बिल्कुल फ्रेशर हूँ, बिल्कुल। चलिए ठीक है, मुझे बताइए कि आपने आईसी माउंट रिमाउंट कर लिया जी सर, उसके बाद आपको पता था कि ये पावर आईसी है, तो कैसे पता चलेगा पावर आईसी है? सर देवसर रतन सर के क्लास में मैंने डिटेल में इसके बारे में नॉलेज ली सर, उन्होंने पढ़ाया था मुझे इसके बारे में जी। अभी मैं सभी सीपीयू एमएमसी जितने भी होते हैं सबको पहचान लेता, सारा ऐसी पहचान पाओगे अभी आप, तो इसके पहले तो आपको पता ही नहीं होगा कि बिल्कुल प्रेशर हो, बिल्कुल प्रेशर। चलिए ठीक है, सेकंड मीटिंग में आपका देव सर के साथ में क्लास हुआ था तो आईसी का पैड भी पढ़ना सर ने बताया होगा। यस सर। तो आईसी का पैड पढ़ के आप बता पाओगे कि ये यस सर का पिन है, बिल्कुल अल्फा है कि न्यूमेरिक पढ़ना है, ये आपको समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है, और मुझे बता दो कि थर्ड मीटिंग में आपने वही चीज प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल किया सर, मैंने प्रैक्टिकल किया जी सर, तो आपको डायग्राम भी बनाया उसका, तो जो हुआ था वो प्रैक्टिकल में मिला कि नहीं? यस सर मिला सर, मिला। यस सर मैं बहुत खुश हूँ सर, ऐसे जिसको भी ऐसे टेलीकॉम आना हो आ सकता है, फ्रेशर हो तब भी आ जाए, फ्रेशर तो भी आ सकता है, अगर वो 10th क्लास पास किया हो और वो आना चाहे आ सकता है सर, मैंने सीखा खुद, एग्जांपल हूं सर, फ्रेशर तो सर बिल्कुल फ्रेशर है। यस थैंक यू सर, टेलीकॉम थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ में एक और स्टूडेंट है, बताइए। सर मैं अल्पेश गुजरात से जी। सर यहाँ आए हुए तीसरा दिन है सर, हमारा तीसरा दिन यहाँ है सर, पहले दिन हमने आके डायरेक्ट हमें ईएमएमसी रिवॉल्विंग सिखाई थी जी, दूसरे दिन हमने सीपीयू ड्यूअल डेकर किए हैं जी, और आज हमारा सुबह का क्लास था लाइव पावर आईसी लाइव बोर्ड में से निकाली और फिर से लगा के चालू किया सर। तो चालू हुआ? यस सर 100%। कितनी बार में चालू हुआ? एक ही बार में, वन टाइम में, वन टाइम में। तो वो तो वन टाइम में ही होना चाहिए। यस सर, लेकिन नहीं देखिए सर, वन टाइम में होना चाहिए लेकिन सही तरीके की ट्रिक और नॉलेज से होता ही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
तो उसके बाद आपका क्या क्लास हुआ है? उसके बाद हमारा देव सर के क्लास था, आज हम आईडी आईसी सभी पहचान का क्लास था। आज पूरी आईसी पहचान हुई आपकी 100%। बात करें मीडियाटेक की, बात करें क्वालकॉम की, बात करें स्पेक्ट्रम की, बात करें जाएगा उसकी, तो आपको सारे आईसी का सर, सारे आईसी और उसके साथ जो भी कॉम्पोनेंट है उसकी वो भी पहचान लेंगे। यस सर। तो इसके पहले ये नॉलेज था क्या आपको? नहीं सर, इतना नहीं था, डीप लेवल का। इतना डीप लेवल नहीं था। तो आज मैं बात करूँ, पैड लाइन पढ़ना भी सिखाया सर ने आपको? वो तो गजब पढ़ा है, पैड लाइन गजब। तो उसको लाइव बताया सर ने कि बस पढ़ना ऐसे बोर्ड? नहीं सर, लाइव। तो जो चीज सर ने आपको स्कीमेटिक के हिसाब से पढ़ाया है कि पढ़ना इस तरीके से है, तो आपको वो चीज समझ में आया नहीं? यस सर, आ गया। और ट्रैक भी हम पहचान सकते हैं। बात करें लेआउट देख के आप बता पाओगे कि कौन सा कंपोनेंट है इसमें? यस सर, बता सकते हैं। लेआउट देख के आप बता पाओगे कि कहां पे इसमें? यस सर, 100% कैपेसिटर लगा है, रेजिस्टर लगा है, थर्मिस्टर लगा है, सब सारी चीजें बता पाओगे? यस सर, बता लेंगे। बात करें वन प्लस की, वन प्लस को लोग कहते हैं बहुत टफ होता है, तो वन प्लस नहीं सर, कुछ टफ नहीं है। तीसरे दिन में भी टफ नहीं लग रहा है। तीसरे दिन में टफ नहीं लग रहा है। यस सर। तो बाद में आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहोगे अगर कोई एशियन टेलीकॉम ज्वाइन करे तो? सर आना ही चाहिए, यहाँ आके जो नॉलेज मिलता है वो इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। और कहीं नहीं मिलेगा? नहीं सर। चलिए ठीक है, मैं आपसे थोड़ा सा और बात करूंगा कि सर ने आपको यहाँ पे पैड लाइन के बारे में ट्रेस भी करवाया होगा, क्योंकि देखिए आपका थ्योरी क्लास में आपने थ्योरी में पढ़ा भी होगा ट्रेस करना, लेकिन आपने लाइव क्लास में आपके ट्रेस किया नहीं हो चीज? यस सर, यहाँ पे हमने डायग्राम भी बनाया और ट्रेस भी किया। ट्रेस भी किया? यस सर। समझ में आया सर की जे? पूरे 100% सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हेलो, तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, तो बताइए आज सर्दी में क्या कर रहे थे आप? मेरा नाम प्रवीण है, मेरे पास से हूँ। आज हमने सुबह आके 8 बजे आके क्लास में जुड़ करके आज हमने ऑन सेट से पावर आईसी को निकाला। तो इससे पहले आप पावर आईसी पे काम करते थे? नहीं करते थे। फिर उसके बाद कितने बार में जॉब अटेंड किया? मैंने एक ही बार में कर दिया। एक बार में जॉब अटेंड कर दिया है, तो बताइए यहाँ पे फिर उसके बाद किसकी क्लास हुई? इस बार हमारे हर कोई पढ़ना चाहे तो आ सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे साथ स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम सचिन कुमार है, हम बिहार से। तो जैसा हम बोलते हैं 3 दिन में, तो ओवरऑल आज आप 3 दिन का पूरा ओवरऑल बताइए कैसा आ जाता है? जी सर, 3 दिन में फर्स्ट दिन हम लोग आए थे तो सर सुबह 8 बजे क्लास में आए थे, और फर्स्ट दिन हमने रिबॉलिंग किया था सर, और फिर सेकेंड दिन हमने सर डुअल रेकॉर्ड को रिबॉलिंग किया था। फिर उसको लगाया, फिर वो फोन ऑन भी हुआ सर। तो ये सच बोल रहे हैं या फिर ऐसे झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, ये पूरा सच है सर। सच बोल रहे हैं? ये सर। तो फिर उसके बाद देव सर के साथ रही आईसी आइडेंटिफिकेशन क्लास कैसे रही है? वो सर तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। इसे भी देखने का नजरिया चेंज हुआ एकदम सर? जरूर चेंज हुआ। देव सर मतलब ग्रेट, बहुत अच्छे टीचर है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, नाम और आप कहाँ से? जी मैं रंजीत कुमार, बिहार से। जी रंजीत जी, बताइए आज थर्ड की क्लास बताइए क्या रहा? आज थर्ड दिन का क्लास में सर सवेरे आए, आप लोग वादा करते हैं कि 3 दिन में हम जो है पावर एसी लाइव यानी ऑन सेट में और निकाल करके फिर लगा करके यानी कि उसको चालू करवाएंगे। 3 दिन नहीं सर, 2.5 दिन ही माना जाए। 2.5 दिन में क्यों सर? 12 बजे से पहले हम लोग कर दिए, 3 दिन कहाँ पूरा? ओके, फिर आपने जॉब अटेंड किया कि नहीं किया? जी सर, क्या थे, क्या सर? जॉब मतलब हुआ कि नहीं हुआ? जी एकदम सक्सेस हुआ सर, एक बार में हो जी। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट नहीं, क्या केवल आपसे जॉब अटेंड हुआ है? नहीं सारे स्टूडेंट से हुआ सर। फिर उसके बाद में बताओ यहाँ पे कि फिर देव सर के साथ आपकी किस चीज की क्लास थी? आईसी पहचानने की क्लास थी सर। तो अभी भी कोई भी आईसी हो उसको पहचान जी पहचान लेंगे, सिपू देख के पहचान लेंगे इसमें कौन कौन सा नंबर का क्या लगा हुआ रहेगा, कौन कैसा लगा ओवरऑल? बहुत अच्छा सर, ऐसा टीचर जो है इंडिया में तो मेरे अनुभव के अनुसार से तो नहीं होंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। हेलो,
तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? मैं जयेश, गुजरात से। तो जयेश जी बताइए, गुजरात से इंडिया मतलब मध्य प्रदेश जबलपुर आ पाए, तो जो सोचे थे तीन दिन में, जो बोला जाता है कि हम लाइव पावर पे काम करा देंगे, क्या एक्चुअल में वो चीजें हुई कि नहीं? सर मेरे को जो मन की संतुष्टि जो इधर आके मिली है, मैं सोच रहा था कि उधर जाके क्या होगा, जैसा सोचते जी वैसा मिलेगा या नहीं, जिसको मन की संतुष्टि चाहिए जी तो इधर ही आए। तो केवल देखिए, मन की संतुष्टि तभी होती है जब इंसान काम सीखता है। तो आज आपने तीन दिन में काम किया प्रॉपर तरीके से, तो वो जॉब डन हुआ कि नहीं हुआ, स्टेप बाय स्टेप? सर मैंने पहले ही दिन ईएमएमसी रिवॉल्व की, दूसरे दिन डबल डेकर आईसी रिवॉल्व की, और आज तीसरे दिन लाइव एमआई के फोन से पावर आईसी निकाला। अभी तो कल आप लाइव सीपीयू भी करने वाले हैं, तो हम लाइव आपको देखेंगे कल के डेट में। तो कैसी रही ओवरऑल अभी तक? बहुत बढ़िया सर। आईसी आइडेंटिफिकेशन क्लास कैसी रही? वो भी सर बढ़िया सर। चलिए ठीक है, बहुत बेस्ट। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से? जीवन कुमार, बिहार से सर। जीवन जी बताइए, आज तीन दिन की क्लास में क्या कराया गया? तीन दिन क्लास में सर सुबह आया था 8 बजे, आईसी बॉलिंग करके आईसी लगाए, लाइव पावर चालू बोर्ड में ऑन बोर्ड में किया है। या सर कितनी बार में जॉब हुआ है? एक बार में सर। एक बार में जॉब कर दिया है या सर? तो यहाँ पे फिर उसके बाद नेक्स्ट किसकी क्लास थी? देव सर के साथ। देव सर के साथ थी। हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और कहाँ से हैं? मेरा नाम मिथुन है, मैं गुजरात से। मिथुन जी बताइए, आज जो हमारी आईसी आइडेंटिफिकेशन और आईसी पावर आईसी माउंटेन माउंट की क्लास थी, तो कैसा रहा पूरा ओवरऑल बताइए? आज सुबह 8 बजे आके MI5 में से लाइव। अच्छा, जो MI5A की बात हो रही है, तो केवल क्या MI5 में कर सकते हैं? एनी स्मार्टफोन, उन्होंने बताया कोई भी मोबाइल हो, कोई भी सर्किट हो, उसमें क्या CPU कौन सा है, क्या MMC है उसकी, क्या पावर आईसी है, वो सब सिखाया। सर पीसी भी देखने का नजरिया चेंज हुआ? और उन्होंने आईसी का पेड लाइन पढ़ना भी सिखाया हमें। आईसी का पेड लाइन, तो इससे पहले इतना नॉलेज था क्या आपको? कभी नहीं, फ्रेशर हूं मैं। तो चलिए, कैसा लगा ओवरऑल? एकदम बढ़िया। देव सर जो बोलते हैं कि नजरिया बदल दूंगा, उन्होंने नजर बदली, हमारा नजारा बदल गया पीसी भी देखने का। सही बोल रहे हैं एकदम। चलिए ठीक है, थैंक यू एशिया टेलीकॉम। तो नेक्स्ट हमारे साथ। सर मेरा नाम कृष्णा कांड है, झारखंड से हूँ जी। आप ही बताइए, आज तीन दिन में क्या रहा ओवरऑल? तीन दिन में सर आज हम लोग की क्लास थी MI5A। देखिए 5A मीन्स ऐसा नहीं होता है, तो क्या 5A में बस कर सकते हैं क्या? आपने एक 4G फोन में किया? 4G फोन में सर। तो अगर ये 5G का भी पावर होगा तो डरेंगे क्या? नहीं सर। तो अभी आपने 4G पावर बोलते हैं, तो 4G पावर जॉब डन हुआ कि नहीं? 4G पावर सर एक बार में हुआ। इससे पहले करते थे क्या? इससे पहले होता नहीं था सर सही से। तो अभी क्या मिस्टेक करते थे, क्या लगा आपको, क्या आपको लगा कि मिस्टेक करते? मिस्टेक सर बहुत करते थे। जैसे एक दो एग्जांपल बताइए। जैसे लगाए, जैसे स्टेंसिल में जैसे लगाए हैं रिवॉल्व करने, अब निकालने के बाद लगाने के बाद पता चलता था कि है कि नहीं, हुआ है कि नहीं, लेकिन अभी रिवॉल्व करने का एक्सटेंशन से बिना निकाले हुए बता देंगे कि सक्सेस है। कैसी रही ओवरऑल क्लास? हाँ, एक नंबर का सर। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू एशिया टेलीकॉम। हमारे साथ स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम मुनीर अहमद, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। तो आप इतनी दूर आंध्र प्रदेश से आए, तो बताइए एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करके क्या आपका डिसीजन सही रहा या नहीं रहा? जी बहुत बहुत शुक्रिया एशिया टेलीकॉम का, तो मैंने सही डिसीजन लिया है। सही डिसीजन लिया है? हाँ, यहाँ पे आके बहुत अच्छा काम किया। मतलब आपके पैसे वेस्ट तो नहीं हो रहे? नहीं, वेस्ट नहीं हो रहे। तो अगर मैं बात करूं, केवल अभी तीन दिन की क्लास कंप्लीट हुई, आगे तो अभी बहुत सारी क्लासेस बची हुई है। ब्लैक पेपर सेट करना है, डुअल टिकर करना है, सॉफ्टवेयर का काम सीखना है, MMC का काम सीखना है, MMC चेन प्रोसेस सीखना है, कैसा लग रहा है, कैसा इंटरेस्ट लग रहा है? जी हमें 10 साल में जो नहीं सीख सके, तीन दिन में बहुत अच्छे तरीके से समझाया और दिमाग में भी बढ़ गया सर। क्योंकि आप 10 साल से इस चीज को आप फेस कर रहे हैं, तो आपको पता है इस नॉलेज की वैल्यू। हाँ सर। तो ओवरऑल आज की आईसी आइडेंटिफिकेशन क्लास कैसे? हाँ जी सर, CPU के बारे में समझाया सर ने,
कि क्वालकॉम क्या होता है और उसके कौन से सीपीयू, क्वालकॉम सीपीयू के साथ कौन सा पावर एसी लगता है, ये मुझे उसके बारे में भी समझाया जी, और बहुत सारा समझाया सर ने, और सर का बहुत बहुत शुक्रिया। सर सिर्फ उस्ताद नहीं है बल्कि उन्होंने आज तो जिंदगी जैसा गुजारना उसका तरीका भी सिखा दिया, मतलब एक लाइफ स्टाइल में हमें कैसे रहना है तो वो भी आपको, क्योंकि देखिए नॉलेज के साथ साथ ये भी जरूरी होना चाहिए जी। तो कैसा लगा ओवरऑल जी? बहुत बहुत शुक्रिया एशिया टेलीकॉम का, और जो कोई भी आना चाहता है, अच्छा टेक्नीशियन बनना चाहता है, कि अपने आप को खुश फील करना चाहता है, तो एशिया टेलीकॉम बेझिझक जरूर आए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम इब्राहिम कड़के, मैं गोवा से हूँ। आप गोवा से हैं, तो बताइए आज 3 दिन का क्या सफर रहा? सर बहुत अच्छा रहा, जो मैं नहीं जानता था, जैसे कि बोर्ड को देख के पावर आईसी क्या होती है, एमएनसी क्या होती है, वो वगैरह सब सर ने सही तरीके से बताए। और आज हमारा पावर आईसी रिबोलिंग था, चालू फ़ोन से निकाल के वापस फिटिंग करना और चेक करना फ़ोन चालू होता है या नहीं होता है, वो अच्छे तरह से सर ने सिखाए थे, उसके मेथड्स वगैरह सब कैसे करना है कैसे नहीं करना है। पहले आपको प्रॉपर बताया गया कैसे करना है? हाँ सर, पहले बताया गया कैसे करना है, किससे करना है और क्या उसका मेथड है, क्या इजी मेथड है, ये इस तरह से उन्होंने समझाए थे। तो मैंने आज पावर आईसी रिबोल कर लिया और फर्स्ट इसमें मैंने वो सक्सेस हो गया फर्स्ट। तो कैसा रहा ओवरऑल? बहुत अच्छा लगा ये करते हुए, देख के मुझे मैसेज होता है कि हाँ भाई मैं जिस काम के लिए आया वो काम हो रहा है, और सर हद से ज़्यादा सिखा रहे हैं, जैसे शॉर्टकट फॉर्म में या जैसे आपको समझ में आता है उस तरह से समझा रहे हैं सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे साथ स्टूडेंट और, आपका नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम मोहम्मद फैजान है, मैं बिहार समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। मोहम्मद जी बताइए 3 दिन में क्या कराया गया? आज पावर आईसी की क्लास थी, जो मैंने चालू फोन से पावर आईसी को रिबल किया और उसको लगाया और चालू किया फोन को। तो चालू हुआ है जी? कितनी बार में चालू हुआ? मैंने फर्स्ट टाइम ही चालू कर दिया, फर्स्ट टाइम में हो गया था, परसों ही किया था फर्स्ट टाइम चालू। अच्छा, दो बार कर दिया मैंने। तो अभी ओवरऑल मैं बात करूं यहां पे कि आप उसके बाद फिर देव सर के साथ क्लास थी, आईसी आइडेंटिफिकेशन क्लास, वो कैसे रही? वो तो बहुत बढ़िया गया, आईसी आइडेंटिफिकेशन सब आईसी के बारे में बताया गया, सब आईसी के बारे में। ऐसा तो नहीं कोई आईसी छोड़ दिया गया, कोई सीपीयू छोड़ दिया गया? नहीं नहीं, अगर उसमें सीपीयू कौन सा लगा, उसमें अदर आईसी कौन सा लगा, सब पता हमको। तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? क्लास तो बहुत बढ़िया थी। क्या बोलना चाहेंगे? थैंक यू एशिया टेलीकॉम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम अली खान, मैं कर्नाटक बेंगलोर से हूँ। तो चलिए बताइए आज 3 दिन का क्या सफर रहा? 3 दिन का आज सुबह में 8 बजे क्लास शुरू हुई और 4G हैंडसेट में पावर आईसी निकाल के फिर लगा दिया और फोन ऑन हो गया। ऑन हो गया? हाँ सर। तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार ही कर लेंगे, बाद में नहीं कर? नहीं, पहले बार में किया तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार में ऑन हो गया सर। तो आप झूठ भी तो बोल सकते थे कि फर्स्ट टाइम में हो गया? झूठ बोल के खुद का नुकसान कौन करेगा सर। तो यहाँ पे इतनी दूर आप आए हैं, पहली बार तो ये है, तो क्या आप गलत रिव्यू दे सकते हैं? नहीं सर, आपने काम सीखा है तो ही आप दे। हाँ सर। तो उसके बाद फिर देव सर के साथ क्लास कैसे? देव सर के साथ आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास थी, एकदम बढ़िया थी सर। कौन सा आईसी क्या कैसा काम करता है, कौन से कंपोनेंट से कनेक्ट करता है, पूरा बता दिया सर। तो कैसे रही ओवरऑल क्लास? एकदम जबरदस्त थी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम है आसिफ खान, मैं कर्नाटक बेंगलोर से हूँ। आसिफ जी, इतनी दूर ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करने का जो आपका डिसीजन था, कैसा रहा बताइए? सर बहुत अच्छा डिसीजन लिया मैंने, आकर मैं 3 दिन हुआ, 3 दिन में मेरा बोर्ड देखने का, पीसीबी देखने का नजरिया ही चेंज हो गया सर। पीसीबी देखने का नजरिया चेंज हो गया? हाँ, किसकी बदौलत हुआ? देव सर की बदौलत से, और एशिया टेलीकॉम की टीम की वजह से। तो अभी मैं बात करूँ यहाँ पे, मॉर्निंग में क्या किया आपने? लाइक 4G पावर रिमूव करके और पेश किया। तो वो चालू हुआ? हाँ चालू हुआ। तो अभी मैं क्या बोलना चाहेंगे सर टेलीकॉम पे? थैंक यू एशिया टेलीकॉम। और अपने लिए क्या बोलना चाहोगे? बहुत अच्छा डिसीजन लिया सर मैं एशिया टेलीकॉम। जी जी, चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे साथ एक स्टूडेंट और, आपका नाम और आप कहाँ से? जी मैं यूपी से कुलदीप हूँ। कुलदीप जी बताइए, आप ही बताइए कुल मिला के 3 दिन का कैसा सफर रहा? जी सर बहुत अच्छा रहा, और हमने आज 4G हैंडसेट थे ऑन बोर्ड से पावर आईसी निकाल के रिमूव किया, उसके बाद लगाया ऑन बोर्ड से, फिर ऑन किया हमने जी, ऑन हो गया वो। ऑन हो गया वो जी? ऐसा तो नहीं है कि वो फोन ऑन ना हुआ हो और आप रिव्यू दे रहे हैं? नहीं सर जी, हमें अभी लाइव दिखा सकते हैं। अच्छा, लाइव भी कर सकते हैं, जितना कॉन्फिडेंस है अभी आपके पास? रखा है मैंने, अभी भी ऑन है वो। तो अभी हम सीपीयू भी कल करने वाले हैं, तो कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है सर। सीपीयू पे काम करने के लिए एक्साइटेड है कि नहीं? जी बिल्कुल। जॉब डन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। देखो सर क्लास कैसे रही? एकदम सर अच्छी रही। ऐसे आईडेंटिफाई का क्लास था, बहुत अच्छे से समझाते हैं देव सर। जी तो क्या बोलना चाहेंगे? थैंक यू देव सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। सर मेरा नाम शैलेश चौहान है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। जी जी बताइए, आप ही बताइए। आज सर सुबह से हम लोग आज जैसे एशिया टेलीकॉम में आके हमारा थर्ड डे है सर, थर्ड डे से ही हम लोग आईसीसी बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आईसीसी बॉलिंग कर रहे हैं। कल हम लोगों ने ड्यूअल लेकर का सीपीयू भी रिबॉलिंग किया था जी जी। और आज जो है सर हमने पावर आईसी जो है ऑन मोबाइल में लगाया सर जी। तो फर्स्ट टाइम में मुझसे नहीं बना, फिर मैंने एमडी सर से पूछा, एमडी सर ने बोला कि हमका फाइनल टच देना बाकी रह गया था जी। तो फिर मैंने फिर से उसको रिबॉलिंग सर मैंने खुद से किया, तो सेकंड टाइम में मेरा ऑन हो गया सर। तो कैसा बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सर, एक गलती में एक फाइनल टच की वजह से भी अपना मोबाइल जो है वो ऑन नहीं हो सकता ये पता चला सर। प्रॉपर अगर बॉल मैच नहीं होगा तो हमारा फोन ऑन नहीं होगा, वो नहीं होगा सर। देव सर के साथ जो क्लास है सर वो एकदम एक्सेलेंट क्लास है सर। देव सर का जो नॉलेज है सर वो मतलब एक्सट्रीम लेवल का नॉलेज है सर, और वो मतलब साथ ही साथ में सर पढ़ाते तो इतना अच्छा है। आईसी आइडेंटिफिकेशन की आज क्लास थी, तो अच्छे से हमारे आज की आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास हुई, और जैसे हमें बताया गया था कि हमारा बोर्ड देखने का नजरिया बदल जाएगा, तो सच में सर आज से ऐसा लग रहा है कि सर बोर्ड बदलने का हमारा नजरिया बदल चुका है। सच बोल रहे हैं? हाँ सर। क्या बोलना चाहेंगे? सर एकदम बेस्ट है सर, अगर कोई भी फ्रेशर है तो भी आना चाहता है तो आ सकता है सर। आना चाहिए कि आना ही चाहिए सर। मैं तो यही कहता हूँ सर, अगर आप दसवीं और बारहवीं के बाद अगर आपको आगे पढ़ाई में मन नहीं लगा है तो ये मोबाइल की जो फील्ड है सर, करियर ऑप्शन के लिए अपना बेस्ट स्कोप है सर। इसमें बहुत पैसा है सर और बहुत है सर। और एक चीज मैं यही बोलना चाहूंगा सर, यहाँ के जो सभी टीचर्स है फुल एनर्जेटिक सब टीचर्स है सर, और यहाँ का सबसे ज्यादा अगर मुझे कुछ पसंद आया रहेगा तो सर वो सबसे ज्यादा अच्छी बात है सर, यहाँ की मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट बेस्ट है सर, डिसिप्लिन और जो मैनेजमेंट है सर वो सबसे बेस्ट है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू ऐसा ओके। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, आपका नाम और आप कहाँ से है, और आप मैं बोल दे रहा हूँ आप फाइनली बोल दीजिएगा अपने लैंग्वेज में, कैसा रहा ये तीन दिन का सफर? जी तो आप ही अपने लैंग्वेज बता दीजिए कि आज आपने क्या क्या किया है पूरा ओवरऑल। आज सकाल 8 থেকে ক্লাস শুরু হয়েছিল আর আইসি রিভল করে বসেছি, 3 দিনের মধ্যে ডুয়াল ডেকার সিকিউরিটি সব কিছু। জি তো স্যার দেব স্যারের সাথে কেমন ক্লাস রা? খুব ভালো ছিল, খুব ভালো। আর এসআর টেলিকম কে কি বলা চাই? থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্কস স্যার। ঠিক আছে, तो बताइए कैसा रहा ऐसे टेलीकॉम का तीन दिन का सफर, क्या कराया गया आज? सर आज हमारा सुभम ने पावर आईसी को रिबॉलिंग करके लगाया चालू फोन में, और वो एक ही बार में जॉब डन हुआ। एक बार में जॉब डन हुआ? जी सर। तो उसके बाद आप पहले काम करते थे कैस फील्ड में? पहले सर आईसी लेवल का काफी किए थे, यहाँ पे आईसी लेवल का पहला एक्सपीरियंस है। आज देवी सर के पास भी क्लास थे, तो वहाँ पे भी अमाउंट का मतलब आईसी जो मतलब एक आईसी को देखकर पूरा बोर्ड का आईसी को पहचान लेंगे। पहचान लेंगे? हाँ। तो अभी फिर उसके बाद जब देवी सर ने क्लास लिया तो कैसा लगा, कैसा फील कर रहे हैं अभी आप, आईपीसी भी देखने का नजरिया क्या? सर एक ही शब्द में पूरा चेंज हो गया है, पहले जैसे देख रहे थे आप तो अलग ही एकदम अलग ही एकदम अलग है। क्या बोलना चाहेंगे? थैंक यू ऐसे करीब, थैंक यू सभी सर को मैं बोलना चाहता हूँ, पूरा टीम को, यहाँ का मैनेजमेंट एकदम सुपर। ओके ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? मेरा नाम संदीप है, मैं यूपी से हूँ। संदीप जी बताइए तीन दिन में, तीसरे दिन में क्या कराया गया? तीसरे दिन में सर मॉर्निंग में 8 बजे से क्लास चालू हुई जी। उसमें सर ने से मैंने मेरे पास फोन था उसमें से आई पावर आईसी निकाली जी, निकाल के फिर से लगाई, फोन ऑन हो गया। उसके बाद देव सर के साथ कैसे निकला? देव सर के साथ अच्छी क्लास थी, देव सर ने आज पढ़ाया आईसी की पहचान पढ़ाया, उसको कैसे पहचाना जाए, उसके बोले कहाँ कैसे कहीं होती है जी, उस बारे में देव सर ने बताया, वो सब समझ में आया, अब अच्छे से पहचान सकता हूँ कौन सी बोल कहाँ जा रही है, कैसे काम कर रही है। क्या बोलना चाहेंगे सर? एशिया टेलीकॉम के लिए बोलना चाहूँगा थैंक यू सर, थैंक यू देव सर। ओके नेक्स्ट। तो मैं साथ एक स्टूडेंट और, अपना नाम और आप कहाँ से? सर मैं राकेश पाली महाराष्ट्र से। जी राकेश जी बताइए तीन दिन में आपसे क्या कराया गया है? सर तीन दिन में दो दिन का तो नॉलेज ऑसम ही था, लेकिन जैसे मेरा कल आज अपना पावर आईसी फोन से निकाल कर चालू फोन से निकाल कर लगाना था जी, थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल गिर चुका था, लेकिन फिर जैसे ही मैंने सर को बोला तो मेरे को लाइव बिठा कर
मैंने आज मतलब मैं तो ऐसा तो सर मैंने बोला कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा। नहीं 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 सर, उन्होंने तो मैं बोला तो समझे कि कुछ डर है या कुछ हो रहा है, उन्होंने मेरे को लाइव बिठाया सर, और मैंने फर्स्ट टाइम में ये ओके तो उसके बाद बताइए कि आपने आज पावर एसी पे काम किया। आज पावर से काम करो मैं आज फोर्स मोबाइल अपना आज दुटो मोबाइल अपना पावर एसी ने जिंदा मोबाइल पर खोली लगाए को कितना मोबाइल हमको रखे दिन में तो वन टाइम में जो आपने लोग देव सर से देव सर के साथ क्लास कैसे देव सर बहुत भल लगे देव सर को बहुत कुछ हितिलो आज लखनऊ का लास्ट देव सर अपना मानव का लाइफ है लाइफस्टाइल का कैसे की बोले की जा रहा है लाइफस्टाइल का ही बोले बहुत भल लगे देव सर मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। ओके चलिए ठीक है थैंक यू नेक्स्ट तो हमारे साथ स्टूडेंट हो रहा है अपना नाम और आप कहाँ से और फाइनली बताइए आप ही बताइए तीन दिन का सफर कैसा रहा और आज का सफर कैसा। असीम मंडल वेस्ट बंगाल से आज सुबह आए थे तो ऑन फाइव मोबाइल से आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं ऑन फाइव मोबाइल थे के पावर आई से तुले हिमोन ऑन पड़े सी ओके एक बार ही ऑन हो गया से तो ऑन हो गया था। हाँ ओके फिर उसके बाद कितनी बार में ऑन हुआ था। एक बार में वन टाइम वन टाइम। फिर उसके बाद दूसरे के साथ कैसा सफर डेस्कटॉप के साथ आईसी पहचानने का प्लस था। ओके तो आईसी देखने का नजरिया चेंज हुआ पूरा बदल गया। क्या बोलना चाहेंगे ऐसे टेलीकॉम के लिए। ऐसे टेलीकॉम थैंक यू ऐसे टेलीकॉम बहुत अच्छा। ओके थैंक यू ठीक है थैंक यू सो मच। देखो इसका सलूशन ढूंढ दिया हमने एक बार बंद हुआ इसका 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 ये हेरा गया सर उसका डिस्काउंट नहीं बोला सर 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 जाए एक बार मैंने बोला सर एक कल समथिंग मेरे को 10 के बाद ही आना होगा 11 के बाद ही आना होगा शायद एक बार मैंने मैं श्योर नहीं बोल रहा हूं मैंने वाला दुनिया सर ने बोला है आप एक बार कंफर्म कर लें ठीक है सर। चार दिन के बाद से तो होगा इधर पूरा खाली नहीं तो कल ना उसके बाद पांचवा दिन से ना दूसरे दफा इससे जाओ आ जाओ आना हो गया झुंड में जा रहा है झुंड में देखो सलूशन मिल गया सर बोल के जा मतलब हिलता होगा सर लगता है सर लाइव बात करना कि नहीं अरे ठीक है तू बोलो अरे नहीं नहीं कल बोल आज होगा डिस्काउंट होगा वर्दी उतार के बोलने आया सर।